इस्लाम अल्लाह और रसूल की बातें मानने का दीन है, मनाने का दीन नहीं है। हम लोगों ने इस्लाम को ना मनाने का दिन मना लिया कि इस दिन को मना लेते हैं, उस दिन को मना लेते हैं, ये इवेंट आ रहा है इसको मना लेते हैं, रमज़ान में रमज़ान की रातों को मना लेते, ईदों को मना लेते हैं, मुख्तलिफ रातों को मनाना शुरू कर दिया, हालांकि इस्लाम मानने का दिन था। अनफॉर्चुनेटली हमारे सब कॉन्टिनेंट में ना हमने इस्लाम को एक बुफे समझ लिया है, मैं जिस चीज़ को चाहूँ उठा लूँ, जिस चीज़ को चाहें छोड़ दूँ। इस्लाम इज़ नॉट अ सैलड बार और अ बुफे कि जो चीज़ मुझे पसंद आ रही मैं उसको उठा लूँ और जिसको मैं पसंद नहीं आ रही उसको मैं छोड़ दूँ। हम किस तरह के मुसलमान बन चुके हैं कि आज रात जी नाच गाना होगा इशा की नमाज के बाद, नमाजें भी पढ़नी और नाच गाने भी करने हैं, दिन में माँ जी कुरान भी पढ़ी हैं, तहज्जुद भी पढ़ी हैं, लेकिन जब बेटी की शादी की बारी आती है तो ढोलकी भी चल रही है और मेहंदियाँ भी चल रही हैं और डांस पार्टीज़ भी चल रही हैं और सब आपस में जो है ना म्यूज़िक भी प्ले किया जा रहा है विच इज़ कम्प्लीटली हराम और सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ मुझे ना पसंद नहीं है तो इसलिए मैं उसको छोड़ दूंगा। हालांकि अल्लाह ताला हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये 50-50 दीन नहीं चलेगा, ये बुफे का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं चलेगा।